हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज है डे 17 ब्लॉगिंग का और आज संडे है और संडे की सुबह होती है 8 बजे। ठीक है, तो वही फिर सुबह रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई है। कड़ी पत्ता तोड़ा सुबह सुबह, और देखो भाई, कड़ी पत्ता ना खाली पेट खाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अनेकों फ़ायदे हैं, फ़ायदे तो गिनवाने नहीं वाले, बस कह रही हूँ तो यार मान लो और खा लो। ठीक है, तो खाली पेट रोज़ सुबह कड़ी पत्ते खाना है बहुत ज़रूरी। और ये देखो मुझे सुबह सुबह क्या देखने को मिलता है, ये टेस्टी सा माखन। यार जितना टेस्टी ये दिख रहा था ना, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो ये मैंने खाया माखन। फिर देखो, रोज़ सुबह लोटा भर दूध पीना मैंने, रोज़ सुबह लोटा भर चाय पीना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब से हेल्थ कॉन्शियस होना है और सुबह सुबह पीना है गाय का दूध। ठीक है, क्योंकि देखो चाय पीने से ना काले हो जाते हैं, तो इसीलिए चाय नहीं पीना। तो ओ, ओ फिर ये हो गई थी, मैंने कुछ फैलावड़ा मचा दिया। ठीक है, और ये मैं हमेशा करती हूँ, जब भी मैं या तो चाय निकाल लूँ या फिर दूध निकाल लूँ, मुझसे गिर ही जाता है। ठीक है, फैलावड़ा मचाने के बाद फिर ये मैंने 2 कप लोटा भर दूध निकाला अपने लिए और मामी के लिए भी। तो हॉर्लिक्स वाला दूध पीने के बाद अब से रोज़ सुबह हॉर्लिक्स वाला दूध। ठीक है, तो ये तैयार किया हॉर्लिक्स वाला दूध और 1 कप दिया मामी को और 1 कप खुद के लिए। फिर जो मैंने फैलावड़ा मचाया था ना, वो मामी ने कर दिया साफ़। ठीक है, फिर मामी कहती है, बुलबुल यार जाओ थोड़ा मिर्ची लेते आओ। फिर मैं अपना कैमरा टेस्ट करते हुए, फिर खुश हो रही थी, यार मेरा कैमरा इतना भी बुरा नहीं है। फिर मैंने अपने गोरे गोरे हाथों से तोड़ी मैंने हरी हरी मिर्च। वाह, वैसे लाइन अच्छी है यार। ठीक है, हरी मिर्च तोड़ी मैंने। देखो ये हरी मिर्च होती है हमारे फार्म एरिया के गार्डन में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह नेचर से कनेक्ट हुए। फिर ये 4-5 हरी मिर्च लेके फिर चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और ये मैंने थोड़ा सा फुटेज ले लिया। तो सुबह सुबह नेचर से कनेक्ट होने के बाद अभी हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ है सफाई चल रही थी, तो पैर दबा के मैं बैठ गई थी सोफे पे। ठीक है, सफाई देखने के लिए। फिर सफाई वफाई करने के बाद फिर दोपहर में मामा कहते हैं, चलो यार बुलबुल कहीं चलते हैं। फिर ऐसे ही बिना पूछे मैं बैठ गई कार में कि कहाँ चलना है। फिर मामा लेके जाते हैं जावेद हबीब में, जो कि घर से 2 कदम पे था फिर। ठीक है, तो जावेद हबीब में जाते हैं हम। फिर मामा ने बोला, यार संडे है तो यार पैम्परिंग तो बनती है, तो सेल्फ पैम्परिंग भी ज़रूरी है यार, तो चले हम। फिर मैं बैठ के करवा रही थी अपना हेयर वॉश, तब तक मामा फ़ोन में लगे पड़े थे। फिर देखो, हेयर वॉश कराने के बाद फिर आती है मेरी हेयर कटिंग की बारी, तो फिर मैं आराम से मज़े से बैठ के हेयर कट करवा रही थी। और देखो, बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा यहाँ का कि जितना ही अच्छा इनका इंटीरियर था ना, उतनी ही अच्छी इनकी सर्विस भी थी। ठीक है, ये भैया बड़े अच्छे थे। इनसे मैंने ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि भैया बता दो, अगर मुझे फेशियल वगैरह करवाना हो तो कुछ सजेस्ट कर दो। तो उन्होंने बड़ी ही ऑनेस्टली मुझे ये बोला कि देखो अभी आप टीनेजर हो तो आप मत करवाओ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो इनका शूट भी कर लेते हैं, हबीब जावेद हबीब। तो डियर कहलगांव वासियों, अगर ये वीडियोस देख रहे हो और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें तो 80% कहलगांव के ही लोग हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई मैं तो जब भी बोलूँगी कि जब भी जाना हो बाल कटवाने या कोई भी चीज़ करवाने, मेकअप से रिलेटेड हो या हेयर कट से रिलेटेड हो, तो यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि इनकी सर्विस भी बेस्ट है। ठीक है, और सब चीज़ बेस्ट है यार, ऑनेस्ट भी बहुत है ये ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगी और बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। ठीक है, तो और वैसे ये 10% डिस्काउंट भी देंगे। हाँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही हो गया। ये सब करने कराने के बाद वापस से चलते हैं अब हम घर में। ठीक है, तो बैठ गए और वापस आ गए घर की तरफ। ठीक है, दोपहर का टाइम हो रहा था, तो पूरे दोपहर भर आज हमने यही किया, सेल्फ पैम्परिंग में निकाल दिया। फिर पहुंच गए हम घर पे। ठीक, तो ये आ गए घर, और आगे का सीन क्या है चलो बताते हैं आपको। तो घर आने के बाद यार वैसे बहुत धूप थी, वैसे यार गर्मी आ गई। ठीक है, तो ठीक है अब गर्मी आ गई है तो ये भी इंजॉय कर लेंगे। वापस से हम घर आ गए। घर आने के बाद जब मैं ऊपर जाती हूँ तो देखती हूँ मेरी छोटी बहन ने बनाया है चॉकलेट केक, जो कि सच में जितना टेस्टी ये दिखने में लग रहा था ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी था खाने में भी। फिर चॉकलेट केक खाने के बाद हमने खेला लूडो,
जिसमें मैं हमेशा हार जाती हूँ सच में यार मैं हार जाती हूँ। ठीक है, तो हारने उड़ने के बाद फिर शाम को मैंने बनाया था मैगी। देखो मुझे ड्राई मैगी बहुत पसंद है, तो मैं तो मैगी ऐसे ही ड्राई बनाती हूँ। ठीक है, तो चाय और मैगी खाने के बाद शाम को मैं निकल पड़ती हूँ अपना एक ग्लास बॉटल लेके, एक ग्लास बॉटल ठीक है, वाटर बॉटल लेके गार्डन एरिया में। ठीक है, इस छोटे से बच्चे को सोचा मैंने, जो कि मेरे मामा के बेटे, ये दोनों बेटे मेरे मामा के बेटे हैं। ठीक है, तो इन्हें मैं गार्डन एरिया में ठीक है ऐसे ही वॉक पे लेके आई थी। तो ये तो रोज़ का ही है हमारा यार, कि रोज़ का ही रूटीन है कि शाम को 4 बजे वापस से गार्डन एरिया में आना होता है। और इस गार्डन एरिया का मैंने व्यू और वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। और देखो भाई इतने गमले हैं तो फिर यार देखो पानी देना तो बनता है, तो वही मामा पानी दे रहे थे। ठीक है, रात में हमें भूख लगती है 12 बजे, तो हम खा रहे होते हैं हाका नूडल्स और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वीज़ा खाने के बाद आज का दिन बस इतना ही था और बहुत अच्छा था जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए और एंड तक देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।